एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्नैक मैन सहदेव वाल्मीकि, स्वागत है आपका। और आज के दिन किया है हमने एक रेस्क्यू, जो कि सेप्टिकल कोबरा है, जो कि काफ़ी विषैला सांप है और काफ़ी बिग साइज का सांप है। लगभग इसकी एज होगी 20 साल पुराना सांप है ये। और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, जो कि इंसान के बाइट करने पर, और ये अगर इंसान को बाइट कर ले तो इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, तो इंसान का शरीर पैरालाइजिस हो जाता है, तो उसी से इंसान की मौत भी हो सकती है अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो। तो ओके दोस्तों, अभी इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ काफ़ी जंगल है, तो इसमें हम इसको रिलीज करने के लिए आए हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी बिग साइज का सांप है। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे आ रहा है, और ये एक नाग है, सेप्टिकल कोबरा। देखिए काफ़ी गुस्से में भी है। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए इसे थोड़ा बाहर निकाल के मैं दिखा देता हूँ। देखिए बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहा, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। देखिए दोस्तों, लगभग इसकी हाइट है करीबन 6 फुट के करीब है, तो काफ़ी पुराना सांप है ये। लगभग इसकी एज होगी 20 साल, तो वैसे तो ये लगभग 28-30 साल की एज होती है इनकी। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, काफ़ी सुस्त है अभी तो। देखिए इसकी हाइट है करीबन 6 फीट प्लस, और जो भी इसके विष वाले दांत है वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। वैसे तो हमारा कोई इरादा नहीं इसको परेशान करने का, कई बार हमारे जो व्यूअर्स हैं और वो बोलते हैं कि इसके दांत वगैरह थोड़े भी होते हैं, तो हम इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। तो आपको देखिए, ये विष वाले इसके दांत है, जो कि दोनों दांत है बिल्कुल सेफ है। थोड़ा सा जूम करके दिखाए कैमरामैन को, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, ये दांत है दोनों सेफ है इसके, ये वाला भी। तो इनके साथ छेड़छाड़ ना करें, और हमारा मकसद ये है कि जीव जंतुओं को बचाना। तो ओके दोस्तों, अभी इसको हम जंगल में रिलीज कर रहे हैं। और ऐसा सांप अगर किसी भाई को बाइट कर लेता है तो आप झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूँक के चक्करों में लगभग 80% लोगों की मौत हो जाती है। और आप ऐसा ना करें, झाड़ फूँक के चक्करों में अगर आप अपना वक्त जाया करोगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। इसका जो एंटी मलम है, जो सिविल हॉस्पिटल है, जो भी आपकी नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल है, तो उसमें इसका एंटी मलम मिल जाता है, जिससे इंसान की जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों, अभी इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो ये अपने पर्यावरण में चला जाए। देखिए ठंड का मौसम है, तो थोड़ा सुस्त है, और धीरे धीरे देखिए दोस्तों जा रहा है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सुस्त है ठंड की वजह से, अभी ठंड से जकड़ा हुआ है, और अपने पर्यावरण में ये जा रहा है धीरे धीरे। तो ओके दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा YouTube चैनल है स्नैक मैन सहदेव वाल्मीकि के नाम से, उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से आप इन जानवरों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सको, और हमारी वीडियो के माध्यम से आप जुड़ के, और जो भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है हमने वीडियो में दिया हुआ है, तो उसी से आप इन जीवों को अधिक से अधिक बचा सकते हो। ओके दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।